अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे। आप इन्हीं लिंक्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। 8 लोग किसी एक ब्रिज को 12 दिनों में बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें स्टार्ट वाले स्टेटमेंट में एक डाटा प्रोवाइड कर दिया गया कि 8 लोग किसी एक ब्रिज को 12 दिन में बिल्ड कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, या कह लें इस ब्रिज को बना लेते हैं। आगे लिखा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन। वो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा 6 लोगों को टू बिल्ड द सेम ब्रिज, इसी सेम ब्रिज को जिसका स्टेटमेंट के स्टार्ट में जिक्र किया गया है, इसी सेम ब्रिज को बनाने में, बिल्ड करने में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगेन कंक्लूड कर लूं, तो हमसे कहा जा रहा है कि 8 लोग किसी एक ब्रिज को 12 दिन में बना लेते हैं, तो आपने बताना है कितना टाइम लगेगा 6 लोगों को इसी सेम ब्रिज को बिल्ड करने में। और आगे ये भी मेंशन है स्टेट दी अजम्पशन मेड, और आपने, अजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फर्ज कर लेना। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई चीज़ फर्ज करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ जो आपको फर्ज करनी पड़ेगी वो भी आपने स्टेट करके दिखानी है, लिख के दिखानी है। तो मैं इस अजम्पशन को स्टार्ट में बता भी दूंगा और एट दी एंड हम इसको क्वेश्चन में मैंशन भी कर देंगे। तो आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि 8 लोग 12 दिन में कोई ब्रिज बना लेते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 लोग इसी ब्रिज को, इसी जैसे ब्रिज को, इसी सेम ब्रिज को कितने दिन में बिल्ड कर पाएंगे। अब एक बात मैं और ऐड करता चलूं, यहां पे टाइम टेकन से मुराद नंबर ऑफ डेज है, यानी यहां पे जो टाइम टेकन का वर्ड यूज हुआ है इससे मुराद है नंबर ऑफ डेज, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के स्टार्ट में कहा गया था कि 8 मैन 12 डेज में ब्रिज बना रहे हैं, तो 12 डेज का मतलब है टाइम। तो यहां पे टाइम टेकन का मुराद नंबर ऑफ डेज ही है, तो आपने यही बताना है कि 6 लोगों को कितने दिन लगेंगे, टाइम टेकन से मुराद होगा कितने दिन लगेंगे इसी ब्रिज को बिल्ड करने में। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले दो चीजें अपने क्वेश्चन में ढूंढनी है। वो दो चीजें क्या है, जिनको बोलते हैं वेरिएबल्स, या आप इनको क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, कि आपके क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, कितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, या आप इसको और भी आसान कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में कितनी चीजों के मुतल्लिक बात की जा रही है। ये आप ढूंढेंगे, उसके बाद आप ये ढूंढेंगे कि जो क्वांटिटीज आपने ढूंढी है, या जो वेरिएबल्स ढूंढे हैं, या जो चीजें ढूंढी है जिनके मुतल्लिक क्वेश्चन में बात हो रही थी, उनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा मौजूद है। आया कि वो क्वांटिटीज जो कि क्वेश्चन में मेंशन की गई हैं आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों चीजें पहले आपको स्टार्ट में ढूंढनी है। तो अगर आप नोटिस करें, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजों के बारे में बात हुई है, एक है नंबर ऑफ मैन जो कि किसी ब्रिज को बनाएंगे, और दूसरा है उनका टाइम टेकन जो कि डेज के अंदर मौजूद है, यानी जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है 12 डेज, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज। यानी सिर्फ दो ही क्वांटिटीज, दो ही वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में नजर आएंगे, एक है नंबर ऑफ मैन और एक है जितना वो टाइम लेंगे किसी ब्रिज को बनाने में, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ। तो दो क्वांटिटीज कौन सी हो गई, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज, और टाइम टेकन से मुराद इन डेज ही है, यानी नंबर ऑफ डेज ही है। इन दोनों का मीनिंग सेम है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि टाइम टेकन कोई थर्ड क्वांटिटी है, नहीं, टाइम टेकन से मुराद यही है कि कितने दिन लगेंगे किसी ब्रिज को बनाने में। तो ये भी जस्टिफाई हो गया कि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही क्वांटिटीज हैं अवेलेबल, दो ही चीजों के मुतल्लिक बात हो रही है, एक है नंबर ऑफ मैन और एक है नंबर ऑफ डेज। अब हमने ये चीज तो जस्टिफाई कर लिया, अब हमने करना है कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है। आया कि ये दोनों क्वांटिटीज यानी नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात बड़ी आसान है, अगर आप नोटिस करें कि लोग ज्यादा हों, यानी ज्यादा लोग किसी ब्रिज को बना रहे हों, तो बहुत आसान है इस बात को समझना कि आपका ब्रिज बहुत जल्दी बन जाएगा, डेज कम लगेंगे। यानी अगर लोगों को बढ़ाया जाए या लोग ज्यादा हों तो दिन कम हो जाते हैं, डेज कम हो जाते हैं, और ये इस चीज की निशानी है कि जब भी कोई एक चीज बढ़े और उसकी वजह से दूसरी चीज कम हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं कि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और आप इस चीज को यूं भी समझ सकते थे कि अगर लोग कम होते और किसी ब्रिज को बनाना होता तो जाहिर बात है दिन बढ़ जाते, दिन इंक्रीज कर जाते,
ज़्यादा दिन लगते हैं। इस केस में भी अगर लोग कम हुए हैं तो दिन बढ़े हैं, यानी एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी कम हुई है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम यही कहते हैं कि ये क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये चीज़ यहीं से क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ मैन जो कि रिक्वायर होंगे किसी ब्रिज को बनाने में और उनको जो टाइम रिक्वायर होगा जिसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ डेज, तो ये दोनों क्वांटिटीज नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी ब्रिज बन जाएगा, यानी उतने दिन कम लगेंगे, डेज डिक्रीज होंगे, और जितने आपके पास कम लोग होंगे उतने डेज इंक्रीज कर जाएंगे, उतने ज़्यादा दिन लगेंगे, उतना ब्रिज को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने दोनों चीज़ें ढूंढ ली थी, क्वांटिटीज भी ढूंढ ली थी जिनका जिक्र था, और उनके दरमियान रिलेशनशिप भी ढूंढ लिया। अब आपने इस रिलेशनशिप को यहाँ पर वर्डिंग में लिखना भी है, तो हम लिख भी देते हैं कि हमारे पास है कि द नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड अ ब्रिज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड अ ब्रिज। यानी क्या मतलब हुआ, यानी नंबर ऑफ मैन जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं किस चीज़ के, नंबर ऑफ डेज के, यानी जितने दिन चाहिए होंगे टू बिल्ड अ ब्रिज किसी ब्रिज को बनाने में, यानी जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी डेज कम लगेंगे, उतनी जल्दी ब्रिज बन जाएगा, और जितने कम लोग होंगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी उतने ही ज़्यादा दिन में ब्रिज बनेगा। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर ली। अब देखें हमने यहाँ पर क्या करना है, जब हम अपने वेरिएबल्स को पहचान चुके हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को भी पहचान चुके, अब हमने इन्हीं वेरिएबल्स के नेम से एक जो है यहाँ पर कॉलम बना देने। जैसे आप देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, यानी दो क्वांटिटीज थी जिनके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही थी, एक था नंबर ऑफ मैन और एक था नंबर ऑफ डेज। तो आप इन्हीं दोनों नेम से जो है यहां पे कॉलम बना लेंगे। तो हम एक कॉलम बनाएंगे यहां पे नंबर ऑफ मैन, ये एक कॉलम बन गया, और दूसरी क्वांटिटी थी कि जो कि टाइम लग रहा है इन लोगों को किसी ब्रिज को बिल्ड करने में, तो आप यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, और ये वही डेज हैं जो कि चाहिए होंगे किसी ब्रिज को बिल्ड करने में। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, नंबर ऑफ डेज से मुराद यहाँ पर टाइम टेकन ही है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि टाइम टेकन कोई डिफरेंट चीज़ है, तो इससे मुराद नंबर ऑफ डेज और दोनों टाइम टेकन एक ही चीज़ है। तो अब आपने इस जब ये कॉलम्स बना लेने हैं तो अब आपने इन कॉलम के नीचे इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, और वो कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन से देखकर। तो आप देखें आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था कि 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days, यानी 8 लोग एक ब्रिज को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। तो 8 men का मतलब है आप नंबर ऑफ मैन के नीचे क्या लिखेंगे, 8, और ये 8 men कितने दिनों में ब्रिज बिल्ड करते हैं, 12 डेज में, ये इसका टाइम टेकन है, या आप कह लें नंबर ऑफ डेज है जितने में ये बिल्ड करेंगे इस ब्रिज को। तो इसके बिल्कुल पैरेलल ही आपने लिख देना है 12, तो इसको हम यूं ही पढ़ेंगे कि 8 men 12 डेज में किसी ब्रिज को बिल्ड कर रहे हैं। तो आपने इस तरीके से डाटा को पुट करना है कि जो चीज़ आपके पास स्टेटमेंट में लिखी होगी उसको उसी सेक्शन में लिखना है। 8 men था तो मैन के नीचे 8 लिखा, वो 12 डेज में इस ब्रिज को बिल्ड कर रहे थे तो उसी के पैरेलल उसी के सामने नंबर ऑफ डेज के नीचे 12 लिख दिया। अब आगे चलें, आगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। तो आगे लिखा हुआ फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज, वो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा अगर 6 लोग इसी ब्रिज को बिल्ड करें। अब देखिए मैन के साथ लिखा हुआ 6 men यानी 6 लोग, तो आपने नंबर ऑफ मैन के नीचे कितना लिख देना है, 6, और आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम से मुराद क्या है, नंबर ऑफ डेज, यानी कितने दिन लगेंगे इन 6 लोगों को इसी ब्रिज को बिल्ड करने में। तो इन 6 लोगों के बिल्कुल सामने नंबर ऑफ डेज में आपने बेसिकली वो वैल्यू निकालनी है, यानी वो टाइम निकालना है जो कि इन 6 लोगों को लगेगा इस ब्रिज को बिल्ड करने में। तो ये जो टाइम निकालना होगा, जो वैल्यू हमें नहीं पता हुआ करेगी, हम इसकी जगह पर खुद से क्या लिखा करेंगे, फर्ज किया करेंगे एक्स, और आप यहां पे लिख भी सकते हैं, मैं इसको लिख भी देता हूं यहां पे कि लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन इन डेज, ये डेज के अंदर है इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इन डेज टू बिल्ड अ ब्रिज, और ये कितने लोग बनाएंगे, 6 लोग, यानी 6 लोग जितने दिनों में ये ब्रिज बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, उनके मुतल्लिक जो डाटा होगा उसको एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब देखें जब हम यहाँ तक लिख लेते हैं, हमारे पास 2 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, एक मेथड होता है यूनिटरी मेथड और एक होता है प्रोपोर्शनल मेथड।
तो यूनिटरी मेथड को सॉल्व करने के दो मेथड फर्दर बन जाते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर एल्जेब्रिक मेथड आप उसको कह सकते हैं, और दूसरा होता है एरोज मेथड। तो मैं यहाँ पे एरोज मेथड फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा आसान रहता है। और अभी आगे जो आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे क्वांटिटीज 2 से बढ़ के 3 हो जाएंगी, वहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। तो मैंने सोचा मैं इसी से आपको क्वेश्चन करवाऊँ ताकि आपके लिए आगे वाले क्वेश्चन भी आसान हो जाए। तो जब आपने कॉलम में इस तरह डेटाज लिख लिए, आपने उनके दरमियान रिलेशनशिप भी पहचान लिया, अब आपने एरोज लगाने होते हैं। तो एरोज लगाने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। मैं आपको कोशिश करूंगा यहां पे वही बताऊं जो सबके जो आपके लिए सबसे आसान रहे। जिस तरह आप नोटिस करें नंबर ऑफ मैन की जो है ना वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पहले वो 8 थे, ऊपर 8 लिखे हुए और नीचे क्या हो गए 6। तो आप इस तरह समझ लें कि लोग कम हो रहे हैं। तो अगर लोग कम हो तो दिन ज्यादा होंगे या कम होंगे, यानी अगर इस सिनेरियो के लिहाज से देखा जाए तो अगर लोग कम हो जाएंगे तो ब्रिज को बनने में ज्यादा दिन लगेंगे, यानी फिर दिन बढ़ने चाहिए, दिन इंक्रीज होने चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है 8 से कम होकर 6, यानी एक तरह का कह ले डिक्रीज हो रही है, तो मैं डाउनवर्ड एरो लगा देता हूँ यहाँ पर कि 8 से 6 क्या हुई है, वैल्यू डिक्रीज हुई है, डाउनवर्ड एरो। तो जब आपके पास रिलेशनशिप इन्वर्स प्रोपोर्शन का हुआ करेगा या दोनों क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करेंगी, आपने याद रखना है ये एरोज ऑपोजिट हुआ करेंगी, यानी अगर एक डाउनवर्ड है तो दूसरा लाजमी अपवर्ड होगा, अगर ये अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड होगा, इस तरह ही करना है। तो अगर लोग कम किए जाएं तो जाहिर बात है ज्यादा दिन लगेंगे, दिन बढ़ जाएंगे इस ब्रिज को बिल्ड करने में। तो अगर ये डाउनवर्ड होगा तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस तरीके से अपवर्ड लगाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका ये भी होता है कि जहां पे आपके पास ये अननोन क्वांटिटी लिखी हो, यानी जिस कॉलम में आपको ये एक्स अननोन क्वांटिटी या कोई भी चीज जो फाइंड आउट करनी है लिखी हुई नजर आ रही हो, उधर पहले से अपवर्ड या डाउनवर्ड एरो फिक्स कर लें और उसके मुताबिक देखें दूसरे वाला कॉलम जो है किस तरह उसके साथ रिलेट कर रहा है। अगर डायरेक्ट है तो वहां पर भी सेम डायरेक्शन में एरो लगा दें, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है तो वहां पर ऑपोजिट एरो लगा दें। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर लिखा हुआ था पहले 8 मैन थे अब 6 हो गए, यानी लोग कम हुए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि लोगों के दरमियान और नंबर ऑफ डेज के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है, ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर लोग कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी दिन ज्यादा लगेंगे उस ब्रिज को बिल्ड करने के लिए। तो इसलिए अगर ये डाउनवर्ड एरो था यहां पर, क्योंकि 8 से कम होकर 6 आया था, मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया, तो यहां पर अपवर्ड लगाना था। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा एरोज की डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ करेगी, अगर एक डाउनवर्ड हुआ करेगा दूसरा अपवर्ड हुआ करेगा, अगर ये अपवर्ड होता तो वो डाउनवर्ड होता। तो ये आपने याद रखना है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसी होती है। हाँ, अगर ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली रिलेट होती तो जैसे एरो की डायरेक्शन यहां पर होती वैसे ही सेम एरो की डायरेक्शन यहां पर होती, अगर ये अपवर्ड होता ये भी अपवर्ड होता, अगर ये डाउनवर्ड होता तो ये भी डाउनवर्ड होता। तो एरोस बड़े ध्यान से आपने लगाने हैं। तो जब आप ये एरोस लगा लेंगे, अब इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है। आप इस पहले वाले कॉलम से लिखना शुरू करें जहां पे नंबर ऑफ मैन लिखा हुआ है। आपने याद रखना है एरो के मुतल्लिक एक बात, जो भी एरो होता है इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो ये एरो हेड है इसको हम जस्ट बोला करेंगे हेड, और जहां से ये एरो स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोला करेंगे इसकी टेल। ये जस्ट समझाने के लिए आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो जहां पे ये एरो लगा होगा इसको हम हेड बोला करेंगे, और जहां से ये एरो स्टार्ट हो रहा होगा इसको हम टेल बोला करेंगे। तो जब आपने ये सारे एरोज लगा देने, अब आपने इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसी मेथड से। आपके पास जहां पे भी एरो लगा होगा आप उसके टेल से हमेशा लिखना शुरू करेंगे, जहां पे उस एरो की टेल होगी। तो ये एरो की टेल है, आपने देखना है इसके पैरेलल इसके साथ क्या लिखा हुआ 8। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 8, डिवाइड का साइन डालेंगे। अब आपने देखना है हेड, हेड इसका यहां पर है तो हेड के साथ क्या लिखा हुआ 6, तो इस 8 को लिख देंगे डिवाइडेड बाय 6, यानी 6 को उसके नीचे लिख देंगे। तो जो भी आपने कॉलम में से वैल्यूज उठाकर इस तरह लिखनी होंगी, आपने एरो की टेल देखनी है, जो उस टेल के साथ लिखा हुआ वो पहले लिखना है, और उसके बाद हेड देखना है, जो हेड लिखना है उसको लाइन के नीचे यानी जो है डिवीजन के साथ लिखना है, यानी डिवाइडेड बाय दैट नंबर लिखना है। तो देखिए पहले टेल के साथ 8 था, ऊपर 8 लिखा, हेड के साथ 6 था तो लाइन डालकर नीचे 6 लिखा। इसके बाद आपने इक्वालिटी का साइन लगा देना है, उधर भी ऐसे ही करना है। आप देखें टेल से लिखना स्टार्ट करना है, इधर टेल के साथ क्या लिखा हुआ है x, तो पहले x लिखें डिवाइड का साइन, और आगे आप देखें हेड के साथ क्या लिखा हुआ है 12, तो इधर लिख दें 12। अब आपने इधर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 12 यहां पर x को डिवाइड कर रहा है, तो आपने इस 12 को यहां से हटाना है और इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना है ताकि आप x की वैल्यू बता पाए। इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, एक तरीका ये दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे राइट साइड पर ये 12 हट जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है समझने के लिए कि यहां पर 12 जो है वो x को डिवाइड कर रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहां जाकर 8/6 को मल्टीप्लाई कर देगा। तो यही हम करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे 8/6, और वो जो 12 जो वो x को डिवाइड कर रहा था यहां के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/6 से, और वहां पे जस्ट क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो यहां तक हमने कर लिया, इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम्स 12, ऊपर 8 बच गया मल्टीप्लाई का साइन, और साथ 2 बचा और यहां पे बच गया x।
अब आपने जस्ट इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 टू टाइम्स कितना आ गया 16। और आपने ऊपर x किसको लेट किया हुआ था, आपने x को लेट किया हुआ था कि ये रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन इन डेज टू बिल्ड अ ब्रिज, यानी ये वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है दिनों के अंदर जो कि 6 लोगों का टाइम है, जो कि 6 लोग लेंगे किसी ब्रिज को बिल्ड करने में। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया 16, ये इन टर्म्स ऑफ डेज है, यानी 16 डेज है। तो आपको आंसर मिल गया कि 16 दिन लगेंगे, 16 डेज लगेंगे अगर 6 लोग इसी ब्रिज को बिल्ड करना चाहें। तो यहाँ तक तो हमारा केस जो है, जो सोल्यूशन था वो ख़त्म हो गया। अब ये जो सारी चीज़ हमने परफॉर्म की है, इसमें हमने एक अजम्पशन मानी हुई है, आप कह लें हमने पहले से मानी हुई है लेकिन हमें उसके बारे में अभी पता नहीं है, हमने उसको स्टेट करना है। तो हमने उस अजम्पशन को भी बताना था जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि स्टेट दी अजम्पशन मेड। तो अब अजम्पशन को भी स्टेट कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं इस अजम्पशन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट दी अजम्पशन मेड, जिसका मतलब यही था, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि आपने कोई चीज़ फर्ज करनी है तभी जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमने क्वेश्चन कर लिया, यानी हमने कोई चीज़ फर्ज की हुई थी उसी के मुताबिक हम ये क्वेश्चन कर पाए हैं। अब वो चीज़ क्या फर्ज की हुई थी, जो अब हमने स्टेट भी करनी है वही हमने यहाँ पर मैंशन करनी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस तरह समझें कि हमारे केस में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या चीज़ गिवन थी, नंबर ऑफ मैन, कुछ लोग थे जो कि किसी ब्रिज को बना रहे थे कुछ टाइम के अंदर, जिसको हम कह रहे थे नंबर ऑफ डेज, यानी नंबर ऑफ डेज के अंदर। तो दो चीज़ें हो गई, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन। तो ये जितने भी लोग किसी ब्रिज को बना रहे थे, इनकी जो एफिशिएंसी थी, जो आप कह लें इनका वर्किंग रेट था, वो एक जैसा ही होगा। यानी ये जितने भी पर्सन लगे हुए हैं इस ब्रिज को बनाने के लिए, ये सब सेम रेट पर काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ अ डे इन तमाम वर्कर्स का, जो कि मैन है, ये इन तमाम वर्कर्स का जो रेट है वो एक जैसा ही रहता है, इनका आउटपुट जो है वो एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट रेट पर काम करते हैं, बाकी वर्कर्स जो है डिफरेंट रेट पर काम करते हैं, कोई स्लो है, कोई उतने दिन में उतना काम नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम वर्कर्स एक ही रेट पर काम कर रहे हैं, तभी उनका एट द एंड ऑफ अ डे जो है आउटपुट है वो सेम है। अगर ऐसा ना होता तो क्या प्रॉब्लम होता, अगर ऐसा ना होता तो हम नहीं बता सकते कि ज़्यादा लोग चाहिए या कम लोग चाहिए विद इन डेज इस ब्रिज को बिल्ड करने में, क्योंकि हमें पता ही ना होता कि वर्कर्स किस रेट पे काम करते हैं, वो एक दिन में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इस ब्रिज को बनाने में। तो हमें ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, ये क्लैरिटी थी तभी हमने क्वेश्चन किया भी है कि जितने भी लोग इस ब्रिज में काम करेंगे प्रोपोर्शन के केस के अंदर, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो या डेट प्रोपोर्शन का केस हो तो वहाँ पर रेट का जिक्र आता है, तो जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं इस ब्रिज को बिल्ड करने में, ये सेम रेट पे काम कर रहे हैं, तभी हम बता सकते हैं कि अगर इतने लोग हों तो इतने दिन में खत्म कर लेंगे, अगर इतने होंगे तो इतने दिन में खत्म कर लेंगे। तो इसलिए आपको अजम्पशन यहां पे यही मेंशन करनी है कि ऑल द मेन जो कि इस ब्रिज को बना रहे हैं वर्क एट द सेम रेट। तो ये चीज मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा कि ऑल मेन वर्क एट अ सेम रेट टू बिल्ड अ ब्रिज, टू बिल्ड आ ब्रिज। तो यही आपने भी अजम्पशन मेंशन कर देनी है। तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ, उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के।